भोपाल बैरसिया क्षेत्र के अचारपुरा पंचायत के पारवा खेड़ा परवाहा नई बस्ती के निवासियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरमान ने बताया कि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क, पानी एवं बिजली की समस्या है जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है, जबकि सरकार का यह कहना है कि इस बार भोपाल को नंबर वन बनाने में पूरा नगर निगम लगा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में कचरे की गाड़ी तक नहीं आती और लोगों के घर के आसपास कचरा पड़ा हुआ है जिससे बीमारियां फैल रही। मोहम्मद तारिक मध्य प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जावेद शेख फैजान, मोहम्मद हकीम, सुनील कुशवाहा, भूरा खां, मस्जिद मोहम्मद सहित रहवासी यहां पर अपनी समस्याओं को बताने के लिए उपस्थित रहे। जी बताइए क्या समस्या है यहाँ पर, मूलभूत समस्या? पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, रोड पड़े हैं आधे आधे बने, ये परेशानी। सरपंच विधायक नहीं आते क्या यहाँ देखने? अब हमको तो मालूम भी नहीं पाता आते हैं कि नहीं आते, आप तुम्हारे के हिसाब से देखती हो, अंदर हैं बाहर हैं, तबीयत है सही नहीं है हमारी। आते हैं कभी जभी रोडों पे, इधर मालूम होता है हमारे लिए सिर पर साहब आए जना आए बस। अभी क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए, पानी की भी समस्या होना चाहिए, लाइट को भी परेशान है जनता, आठ आठ दिन के लिए अंधेरे में चिराग जला रही है, कोई मोमबत्तियाँ जला रही है उसमें तेल कर रहा है, ये हो रहा है। कब से हो रही है लाइट की समस्या? ये तो दो तीन चार साल से यही हाल है। बहुत नाम बताओ। आप दबी नाम है मेरा।